मानव समाचार मानवता के हक में। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मालेगांव पुलिस की तरफ से एक हिदायत जारी की गई है, जिसमें इस बात का इशारा दिया गया है कि रात 11:30 बजे के बाद शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। किसी भी दुकानदार को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो। इसमें होटल, मुख्तलिफ गाड़ियों पर लगने वाले ठेले, सभी दुकान शामिल हैं। सभी के लिए कानून की पासदारी करना ज़रूरी है। ना मानने की सूरत में उस दुकानदार पर कार्रवाई का वाज़े इशारा दिया गया है। कारखाना मालकान अपने मजदूरों के लिए पहले ही खाने पीने या चाय का इंतज़ाम कर लें, ऐसा कहा जा रहा है। दवा खाने और मेडिकल वालों को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। साथ ही बिला वजह चौक चौराहों पर, रास्तों पर, मुख्तलिफ बेंच पर, दुकान के पटलों पर बैठने वाले, वक्त गुजारी करने वाले लोगों से, नौजवानों से भी कहा गया है कि वो वक्त रहते अपने घर चले जाएं, वरना उन पर भी कानून की गाज गिर सकती है। किसी भी किस्म के गैर कानूनी धंधा करने वाले, जिसमें मुख्तलिफ नशा आवाज चीज़ों से लेकर गुटखा, पान मसाला भी शामिल है, उन्हें भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। शहर में नए आए हुए IPS ऑफिसर DYSP तेगबीर सिंह संधु की रहनुमाई में मालेगांव पुलिस एक्शन के मूड में नजर आ रही है। लोग वक्त रहते अपनी दुकानों को बंद करके अपने घर अपने परिवार में चले जाएं। लोग यहां वहां ना बैठे बल्कि अपने घर अपने परिवार में रहें, ताकि जो भी गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। लोग भी वक्त रहते अपनी अपनी दुकानें बंद कर दें और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बचें, ऐसा DYSP तेगबीर सिंह संधू का कहना है। सर, अभी ये जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है मालेगांव शहर सेंट्रल की हद में, कि 11:30 बजे तक जितनी होटलें हैं वो बंद होनी चाहिए, जितने ठेले, खाना वाल वगैरह सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, उस बारे में, उस संदर्भ में आपसे पूछना चाहते हैं। पहले तो मेरे मालेगांव के निवासियों को जय हिंद। मेरी तरफ से मैं मालेगांव सिटी SDPO आपके माध्यम से सब मालेगांव के निवासियों को बताना चाहता हूं कि शासन निर्णय के अनुसार 11:30 बजे सब होटल और स्थापना को बंद करने होने का ऑर्डर दिया गया है। इस ऑर्डर को मालेगांव पुलिस फुली स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेगी। और दूसरी सब स्थापनाओं को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि वो 11:30 की जो टाइम लिमिट है उसके साथ वो एग्री करें और मालेगांव पुलिस की सहायता करें इसमें। दूसरा, मैंने बहुत बार नाइट राउंड में ये नोटिस किया है कि कुछ जमाव, कुछ 4-5 लड़कों का ग्रुप, ये ऐसे बहुत जगह पे खड़ा रहता है। ये भी 11:30 के बाद परमिटेड नहीं है। बॉम्बे पुलिस एक्ट के वेरियस कायदों के अनुसार इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मेरा मालेगांव के निवासियों को ये एक रिक्वेस्ट है कि वो मालेगांव की पुलिस को हेल्प करें ये इन्फोर्स करने में, और ये 11:30 की टाइम लिमिट शासन निर्णय के अनुसार उसका पालन करें। सर, आजकल हमने देखा है कि रोज तो अभी 11:00 बजे से सख्ती हो रही है, होटलें बंद हो रही है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि छोटे धंधे वालों की होटलें बंद हो रही है और कुछ बड़े धंधे वालों की होटलें चल रही है, तो इस तरीके से क्या मामला है? 11:30 की टाइम लिमिट सब धंधों के लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ये मालेगांव पुलिस का काम है कि वो जाके देखे कि बड़े अपने स्थापना भी बंद है और छोटी भी बंद है। ये शासन निर्णय में कहीं पे भी इसकी दो राय नहीं कही गई है कि 11:30 बजे छोटा बंद होना चाहिए या बड़ा बंद होना चाहिए। अगर कोई कमी पाई जाएगी तो आई विल टेक एक्शन। और ये कुछ गुटखा वगैरह जो टपरी पे रख कर बेचते हैं, इनके ताल्लुक से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? 100% अपना नो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इनके ऊपर। गुटखा इज़ अ बैंड प्रोडक्ट, सेक्शन 328 ऑफ IPC के अंडर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैंने हाल ही कुछ रेड्स करी है इसके ऊपर और ये रेड्स थमने नहीं वाली। आगे मेरे को कहीं पे भी इंफॉर्मेशन आती है मैं पर्सनली जाता हूँ, चेक करता हूँ, और अगर कहीं पे भी मेरे को गुटखा मिलता है, और गुटखा ही नहीं कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, जैसे कि कुत्ता गोली, जैसे कि और नशे,
ये अलाउड नहीं है मालेगांव में किसी भी तरीके में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, मालेगांव के अंदर पावर लूम मजदूर ज़्यादा है, रात में यहाँ पर पावर लूम कारोबार चालू रहते हैं, तो मजदूर लोगों को रात में चाय पीने के लिए निकलते थे, रात में उनके लिए नुक्कड़ के कई कई होटलें चालू रहती हैं, अभी इससे उनको दिक्कत आएगी तो आप उनके लिए कुछ संदेह देंगे? जी, पुलिस का फ़र्ज़ है कि कायदे को इम्प्लीमेंट करना, मेरे को कायदा 11:30 बजे का टाइम लिमिट देता है, अगर किसी को चाय की व्यवस्था चाहिए तो वो अपना पहले ही चाय की व्यवस्था करके चले, यही मेरा उनको राय। अच्छा सर, पुणे में आपका हमने देखा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, खासतौर से नशा करने वाले लोगों के लिए या गुंडागर्दी करने वालों के लिए बड़ा एक्शन आपने लिया, मालेगांव शहर में भी वही तस्वीर दिखाई देगी आपके ताल्लुक से? 100% वही तस्वीर दिखाई देगी, सेम आदमी है जो पुणे से यहाँ पे आया है, और यहाँ पे भी मैं फ़र्ज़ है और मेरे को बहुत जगह से रिक्वेस्ट भी है, और मैं अपना मानता हूँ कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अबाइडिंग पर्सन इसको ख़त्म करना यहाँ से, ये मेरा एम है।